तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है इंग्लैंड का और इंडिया का, और इंडिया ने सूद समेत बदला लिया है। जो हमारी 2022 में हमने सेमीफाइनल में हारे थे ना T20 वर्ल्ड कप में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका बदला लिया है। तो इंडिया इस बार चुन चुन के बदला ले रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया से लिया 2023 का बदला, और इस बार 2022 का बदला लिया इंग्लैंड का, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। ये गयाना में मैच हो रहा था, वहाँ पर स्लो पिच थी, नीचे रह रही थी, और ये फैसला कतई ही गलत था इंग्लैंड के लिए। बारिश पड़ रही थी चाहे, लेकिन फैसला गलत था। एक दो दिन से लगातार बारिश पड़ रही थी, तो होप थी कि आज भी बारिश पड़ेगी वहां पर, लेकिन बारिश पड़ी, लेकिन मैच हुआ क्योंकि कुदरत का निजाम इंडिया के साथ था। तो हुआ यूं, बैटिंग करने आए दोनों हमारे धुरंधर विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन विराट कोहली ने इस बार फिर निराश किया। मेरे ख्याल से विराट कोहली को वन डाउन आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे हैं, वो अपनी नेचुरल गेम के अपोजिट खेल पा रहे हैं। अच्छा शॉट मारा था लेग साइड में टॉपले को सिक्स, लेकिन टॉपले ने अगले ही बॉल में उनको बोल्ड कर दिया, मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे। वो इस वर्ल्ड कप में धान कर आए हैं कि इस वर्ल्ड कप मैं जिता के रहूंगा, और बिल्कुल ही वैसा ही लग रहा है, बहुत तगड़ा खेले। और दूसरी तरफ ऋषभ पंत आए, लेकिन ऋषभ पंत ने एक रैश शॉट खेला और वहीं वो आउट हो गए। फिर उसके बाद स्काई आए, स्काई ने इतना मज़ेदार शॉट खेले ना, रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया हुई। रोहित शर्मा ने बहुत ही तगड़ा खेला। रोहित शर्मा की बात करें तो 57 रन मारे मात्र 39 गेंद में, जिसमें 4 6 चौके और 2 छक्के थे, 146 की स्ट्राइक रेट, और उसका साथ दिया स्काई ने। स्काई तो अलग ही लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, आड़े तिरछे शॉट तो आपको पता ही, खेलते हैं 1 6 खेला पीछे, बहुत ही तगड़ा खेला उन्होंने। 47 रन मारे मात्र 36 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के थे। स्काई आउट हुए जॉफ्रा आर्चर की बॉल में, जल्दी से रन बनाना चाहते थे वो, ऑब्वियसली रन रेट को ऊपर लेके जाना चाहते थे, क्योंकि पिच ही ऐसी थी तो स्लो आई तो वो आउट हो गए। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे। रोहित शर्मा को चकमा दिया आदिल रशीद ने, आदिल रशीद की वो स्पिन नहीं पड़ पाए, गुगली नहीं पड़ पाए, थोड़ी सी नीचे भी लगी और वो बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद हमारे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे आए। शिवम दुबे को लास्ट में भेजा था, पहले हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या ने बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली, क्रिस जॉर्डन के दो, एक ओवर में 2 छक्के लगातार मारे, 23 रन मारे उन्होंने मात्र 13 गेंदों में, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के थे। उसके बाद लेकिन शिवम दुबे आए, शिवम दुबे कुछ भी नहीं कर पाए, पहली ही बॉल में मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। फिर थोड़ा बहुत रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने अच्छा खेला। रविंद्र जडेजा ने 17 रन मारे और अक्षर पटेल ने 10 रन मारे, तो इंडिया का एंड का टोटल जो है कुल मिलाकर 171 रन बन गया था, और ये टोटल बहुत ही बढ़िया था। एक्सपर्ट कह रहे थे कि 145 150 का टोटल इस कंडीशन में अच्छा है, लेकिन ये तो अच्छे से भी ऊपर चला गया एक्सपेक्टेशन से। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो काफ़ी निराशाजनक बॉलिंग रही, सिर्फ एक दो अच्छे बॉलिंग रही। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 आउट किया, और लिविंगस्टन ने 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए और 1 भी आउट नहीं किया, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ रीस टॉपले हो चाहे जॉफ्रा आर्चर हो, इन्होंने निराश किए, एक एक विकेट जरूर लिया, लेकिन इनको इकोनॉमी हाई साइड थी, जैसे कि जितनी बॉलिंग को अच्छा था, ये कंडीशन अच्छी थी, उसके हिसाब से इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं। क्रिस जॉर्डन ने हालांकि 3 विकेट लिए और 171 रन बना दिए, और 172 रन का विशाल टारगेट दिया। तो बॉलिंग करने आए एक तरफ अर्शदीप, एक तरफ बुमराह, लेकिन बुमराह अर्शदीप के ना एक ओवर में 3 रन 3 चौके पड़े गए थे। अच्छी शुरुआत में कह सकता हूँ कि 3 ओवर तक रही, बटलर ने 1 ओवर में 3 चौके मारे अर्शदीप के ओवर में, तो वहाँ से मेरा दिल थोड़ा सा निराश होने लगा, थमने लगा, कहीं वहीं 2022 वाली घटना तो नहीं हो रही, कहीं 10 विकेटों से तो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ के विकेट और यहाँ के विकेट बिल्कुल ही अलग थी। तो फिर रोहित 2 3 ओवर हुए, अच्छा खेल रही थी इंग्लैंड, लेकिन फिर तभी से अक्षर पटेल बापू को लगाया बॉलिंग में, और वहीं पर उन्होंने जॉस बटलर को आउट कर दिया, पंत के हाथों आउट कराया उन्होंने। रिवर्स स्वीप मार रहे थे तो कैच आउट हुए। फिर मोइन अली आए, मोइन अली को भी स्टंप आउट किया, ठीक है ना। फिर हमारे मोइन अली भी जल्दी आउट हो गए, 8 रन बनाकर आउट हो गए। फिर फिल साल्ट को एक इन स्विंगिंग स्लोअर बॉल से आउट किया बुमराह ने, तो फिल साल्ट भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिर विकेट पे विकेट, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने विकेट पे विकेट लेते रहे, लेकिन हैरी ब्रुक थोड़ा सा खड़ गए थे, 25 रन मारे हुए 19 गेंदों में। वहाँ थोड़ा सा डर लग रहा था कि हैरी ब्रुक और लिविंगस्टन खड़े ना हो, लेकिन फिर हमारे कुलदीप यादव ने आउट करा हैरी ब्रुक को, रिवर्स स्वीप मारे थे वहीं बोल्ड करा। फिर सैम करन आए, सैम करन भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। लिविंगस्टन आए, लिविंगस्टन भी रन आउट हो गए। फिर आपको पता ही है कि एंड में तो आउट होना ही है सबने, क्योंकि ऐसी पिच में तो अगर आपके स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं चल रहे तो बॉलर कैसे चलेंगे। जॉफ्रा आर्चर भी है, थोड़ा सा 1 2 छक्के एंड में मारे उन्होंने, 21 रन मारे 15 गेंदों में, जिसमें 2 छक्के थे, लेकिन फिर वो इतना रन नहीं बना पाए और 103 रन पर सभी के सभी ऑल आउट। अगर बॉलिंग की बात करें तो करिश्माई बॉलिंग हुई एक बार फिर से स्पिनरों की,
रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 16 रन दिए। थोड़ा सा उनका वर्ल्ड कप कुछ कलर ऑफ लग रहा है, उनका ऑफ लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन कुलदीप यादव ने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 3 आउट किए, और अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर महत्वपूर्ण 3 आउट किए। और जो शुरुआती विकेट दिलाई अक्षर पटेल ने ही दिलाई, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अर्शदीप सिंह थोड़े से महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 17 रन दिए। तो इंडिया फिलहाल फाइनल में पहुँच गई है। अब बारबेडोस की टिकट कटा दी है साउथ अफ्रीका और इंडिया ने। ये कल इंडियन समय के मुताबिक 8 बजे मैच आएगा, बहुत ही तगड़ा मैच आएगा, इसका प्रीव्यू हम कल लेके आएंगे। तो अच्छा हुआ दोनों टीमें पहुंची साउथ अफ्रीका, जो अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। बस मेरे ख्याल से अगर ICC टूर्नामेंट देखें तो साउथ अफ्रीका सिर्फ एक जीती है मेरे ख्याल से, चैंपियन ट्रॉफी। और इंडिया को भी जीते हुए बहुत टाइम हो गया, 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, फिफ्टी ओवर का। फिर 2013 में देख लीजिए एक चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके बाद कोई ICC ट्रॉफी नहीं आई, लगभग 11 साल हो गए कोई ICC ट्रॉफी नहीं आई। तो दोनों टीमों के लिए एक 10 साल का 11 साल का इंतजार है, और एक पता नहीं कितने साल का सदियों का इंतजार है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते, अच्छा खेले, और मैं चाहता हूँ कि ये मैच स्पेशली फाइनल मैच विराट कोहली ही जिताएं, क्योंकि उनकी काफ़ी फेलियर आए हैं, 5-6 मैच हो गए हैं। और ये मैच में मैं चाहता हूँ कि कोहली 50 या 50 अबव मारें, और ये मैच साउथ अफ्रीका की मुँह से ले लें, जीत कर ले लें। तो यही था रिव्यू, शुभकामनाएं टीम इंडिया को जीत के लिए, और होप वर्ल्ड कप जीतें, और हम भी खुश हैं मनाएं ICC ट्रॉफी आने की। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।